दलित नेता जिग्नेश मेवाणी की दिल्ली में आज प्रस्तावित रैली को लेकर अभी माहौल गर्मा गया है। जंतर मंतर पर जिग्नेश समर्थक रैली की तैयारी में जुटे हैं, जबकि पुलिस ने रैली की इजाजत कल ही रद्द कर दी थी। अब जिग्नेश समर्थक रैली की तैयारी में जुटे हुए हैं, जिसको देखते हुए भारी सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें कि जिग्नेश मेवाणी की हुंकार रैली प्रस्तावित थी, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस ने 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा धारा 144 और एनजीटी के आदेश का हवाला देकर अनुमति नहीं दी, लेकिन जिग्नेश समर्थक रैली पर अड़े हुए हैं। इससे पहले मुंबई में भी पुणे में हुई हिंसा के बाद जिग्नेश को रैली की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन बिना इजाजत जिग्नेश के समर्थक रैली की तैयारी में हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती है, तस्वीरें आपके सामने। यहाँ पर मोहित पांडे हैं, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। मोहित, पुलिस कह रही है कि परमिशन नहीं, और आप लोग ये सारा तैयारी कर रहे हैं, तो क्या परमिशन नहीं होने के बावजूद रैली करेंगे? देखिए, पुलिस ने ऐसा हम लोगों को कोई आज तक बताया नहीं है। बस सवाल है कि रैली हो रही है पीसफुल ढंग से, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के तहत, जैसे किसान रैली यहाँ पे हुई थी, वैसे ही एक युवाओं का जमावड़ा है तमाम देश से आए हुए, जो सामाजिक न्याय के लिए, चंद्रशेखर की रिलीज के लिए, जो भीम आर्मी के संस्थापक, उनके लिए मांग उठाना चाहते हैं। और हम लोग मानते हैं कि मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होने के नाते, एक संवैधानिक ढांचे के अंदर की हम अपनी बात रख सकते हैं, उसके नाते ये रैली को इजाजत भी दी जाएगी और रैली होगी, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया, कहा कि एनजीटी के आदेश के मद्देनजर जो है वो हम परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो बावजूद यहाँ तैयारी तो दिख रही है, तो यानी आप लोग रैली करेंगे भले परमिशन मिले या ना मिले, या फिर अंदर आप लोगों की कोई और पुलिस से बातचीत हो चुकी है? देखिए, बात सवाल जो वो एनजीटी का लिख रही है, वो जंतर मंतर के लिए है, और वो शायद बार बार अपनी रैली में लिख रहे हैं प्रोटेस्ट डेमो। एक रैली है जिसमें लोग अपनी बात रखने आ रहे हैं, मुझे लगता है कि बात रखनी दी जाएगी। हम यही अपील भी करते हैं सबसे, जो भी संवैधानिक जो शक्तियाँ हैं, जो पुलिस हो गई, चाहे यहाँ के मंत्रालय हो गए, हम यही अपील करते हैं, बात रखने का हक सबको है। आपके भी संगठन आकर बात यहाँ पे रखे रहे हैं, हम लोग भी रखेंगे। क्या मुद्दे आप लोगों के, जिसकी डिमांड आप लोग करने वाले रैली के जरिए? देखिए, पिछले दिनों जिस तरह से युवाओं अलग अलग, जैसे भाई चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं, उनको वो शिक्षा का मामला उठा रहे थे वहाँ पे सहारनपुर में, उनको जेल में डाला गया। अखिल गोगोई जो हैं, असम के किसान नेता हैं, जो डिस्प्लेसमेंट और इस तरह के मामले उठाते आए, उनको जेल में डाला जाता है। जिग्नेश मेवानी जो ऊना आंदोलन, दलितों के लिए जमीन की बात करते हैं, उनको जेल में डाला जाता है। और हम तमाम लोग जो रोजगार, शिक्षा की मांग कर रहे हैं, उनको बार बार तरीके से हमले किए जाते हैं। तो हम लोगों का रैली का यही मकसद है, एक तो चंद्रशेखर को रिलीज़ किया जाए जल्द से जल्द, जो फर्जी केसेस लगे हैं उन पर से हटाए जाएँ, साथ ही साथ जो भी रोजगार के मुद्दे हैं उन पर तुरंत सरकार हमारी सुनवाई करे, वरना और ज़्यादा संख्या में युवा अपना एजेंडा तैयार करेंगे और उनसे बोलेंगे कि आपको मोदी जी, आपको भाजपा सरकार, युवाओं के एजेंडे पे काम करना ही होगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।